एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये क्या होती है। तो पहले हम बात करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की, जिसको बिहेवियरल टेस्टिंग भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप एक बॉक्स देख रहे हैं, तो ये बॉक्स देखने से आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि टेस्टिंग में कोई बॉक्स होता है, वहाँ पर ब्लैक कलर का बॉक्स होता है, वहाँ पर टेस्टिंग करते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कंसेप्ट क्या है बॉक्स का, ये आपको मैं बताता हूँ। ये जो भी आपने सॉफ्टवेयर बनाया, मान लेते हैं कि लाइब्रेरी का आपने सॉफ्टवेयर बनाया, उस लाइब्रेरी के सॉफ्टवेयर के लिए फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को अगर आप चेक करते हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट कैसी हुई, फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये हुई कि लाइब्रेरी के लिए कि आप बुक को इशू कर पा रहे हैं, बुक को रिटर्न कर पा रहे हैं, अगर फाइन वाला सिस्टम है तो फाइन लग पा रहा है, फाइन कलेक्ट कर पा रहे हैं, बुक का ISBN नंबर आप उसको स्कैन कर पा रहे हैं, बुक के एंट्री को आप कर पा रहे हैं, स्टूडेंट की एंट्री को कर पा रहे हैं, ये अगर आप कर पा रहे हैं तो वो है फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस फंक्शनल रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। यानी बेसिक चीज़ें तो पता चलने चाहिए, मतलब आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया, लाइब्रेरी का सॉफ्टवेयर जो बनाया, तो उसमें क्या क्या मेन चीज़ हमने आइडेंटिफाई की कि बुक्स की एंट्री हो जानी चाहिए, स्टूडेंट्स की एंट्री हो जानी चाहिए, बुक इशू हो जानी चाहिए, बुक रिटर्न हो जाना चाहिए, फाइन का अगर प्रोविजन है तो फाइन कलेक्ट या रिसीव हो जाना चाहिए। तो ये सब कुछ बेसिक चीज़ें हुई, ये अंदर कैसे होगा वो अलग बात है। फिर से सुनिए, अंदर कैसे होगा, अंदर मतलब प्रोग्रामिंग के अंदर में कैसे चल रहा है वो अलग बात है, लेकिन हमारा जो बेसिक प्रॉब्लम थी वो ये चार पांच थी, हमने आइडेंटिफाई की। तो ये थी फंक्शनल रिक्वायरमेंट। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट को हम कह रहे हैं कि इसको हम टेस्ट करेंगे तो वो कहलाएगी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। ये बिहेवियर कैसा है उसका, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो पूरी कर पा रहा है वो सॉफ्टवेयर। और कैसे करेंगे इसमें, इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शन। उसमें ऐसा हो सकता है कि हम स्टूडेंट को बुक बैंक फैसिलिटी भी देते हों पर वो रह गई हो बनाने से सॉफ्टवेयर में, तो क्या वो ऐसा तो नहीं फंक्शन रह गया हो, ऐसा तो नहीं कि फाइन स्टूडेंट पर अगर कोई फाइन का प्रोविजन है तो क्या फाइन का प्रोविजन हमने जो लगाना चाह रहे थे वो लगाई नहीं हो, या लगाया तो था लेकिन वो अपडेट ही नहीं हो रहा हो। बुक ने स्टूडेंट ने अगर फीस पे करी है बुक के लिए तो वो कलेक्ट नहीं हो पा रही है या स्टोर नहीं हो पा रही है, तो ऐसा तो नहीं है, वो सब चेक करना है। इंटरफेसिंग एरर्स, इंटरफेसिंग एरर्स तो नहीं है किसी तरह की, कि इंटरफेस अगर आपने बनाया है कि किसी उसके लिए, बुक के लिए, लाइब्रेरी के लिए, कि बुक ऑनलाइन पढ़ पा रहा है बच्चा, या इशू ऑनलाइन कर पा रहा है, या रिटर्न ऑनलाइन कर पा रहा है, ऑनलाइन तो खैर नहीं कर पाएगा, पर उसके लिए अगर कोई प्रोविजन है क्या, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है कि 3 दिन के लिए उसको और टेक्स्ट चाहिए। मान लीजिए किसी स्टूडेंट की तबीयत खराब है और वो घर से ही अपने मोबाइल से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे 3 दिन का एक्सटेंशन और मिल जाए बुक रिटर्न करने के लिए, तो क्या ऐसा कर पा रहा है। तो इंटरफेसिंग, ये एरर तो नहीं आ रही किसी भी तरह की। एरर इन डेटा स्ट्रक्चर, की डेटा स्ट्रक्चर जो भी डिजाइन किया गया है, चाहे वो ट्री फॉर्मेट हो, लिंक्ड लिस्ट हो, या जो भी कुछ हो, तो क्या उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, जिस तरह से आप सेव करना चाह रहे हैं वैसे सेव हो रहा है। परफॉर्मेंस एरर, ऐसे तो नहीं कि वो सॉफ्टवेयर लोड होने में बहुत टाइम लेता हो, क्या आपने ओपन किया अब लोड होने में टाइम लगा रहा है, वो 10 मिनट तो लोड ही होता रहेगा, या वो वेरीफाई कर रहा है स्टूडेंट को कि हाँ वो ऑथेंटिक स्टूडेंट है भी कि नहीं है, वो है स्टूडेंट बीटेक का लेकिन वो बुक लेना चाह रहा है मैनेजमेंट की, तो क्या वो वैलिड है, तो अगर वो वैलिड है तो क्या उसका परमिशंस क्या हैं। तो ये सब चीज़ें परफॉर्मेंस में काउंट होंगी, तो परफॉर्मेंस एरर ये। तो मुझे लगता है इतना आपको सामने आ गया होगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। अब बात करेंगे हम वाइट बॉक्स टेस्टिंग की। तो अब वाइट बॉक्स या ग्लास बॉक्स टेस्टिंग में, अब इसमें भी आप यहाँ देख रहे हैं कि बॉक्स बना हुआ है, इसमें ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है, तो ट्रांसपेरेंट कोई बॉक्स नहीं होता है यहाँ पर, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है। कंट्रोल स्ट्रक्चर मतलब ट्रांसपेरेंट होने का, या ग्लास बॉक्स या वाइट बॉक्स होने का मतलब ये है कि हम अंदर देख सकते हैं, अंदर किसमें, प्रोग्राम के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर आप देख सकते हैं, अंदर किसमें, आप लूप को देख सकते हैं, कंडीशंस को देख सकते हैं, बायरे को देख सकते हैं, आप डेटा स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, आप डेटाबेस को देख सकते हैं, तो आप देख पा रहे हैं अगर चेक कर पा रहे हैं तो वो कहलाएगा वाइट बॉक्स टेस्टिंग, नहीं देख पा रहे हैं तो कहला पा रहा था वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो यहाँ क्या देख रहे हैं, इंडिपेंडेंट पाथ एक्सरसाइज्ड, मतलब जितने भी इंडिपेंडेंट पाथ्स हैं उसके, जितने भी उसके सेक्शन, जितने भी मॉड्यूल्स हैं, जितने भी लूप्स हैं, ये सब एक्सरसाइज हो गए हैं कम से कम एक बार। ट्रू फॉल्स कंडीशन है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अगर वोटर की एज 18 से कम है तो वो एलिजिबल नहीं है वोटिंग के लिए, अगर इक्वल है तो एलिजिबल है, 18 से ज़्यादा है तो भी एलिजिबल है। तो हम क्या करते हैं कि आपने प्रोग्राम जब बनाते हैं इस टाइप की, तो आपने कहा कि 18 आपने एंटर किया आ गया एलिजिबल है, आपने कहा कि 20 वो भी एलिजिबल है, एक बार आपने और चेक कर लिया कि 15 नॉट एलिजिबल,
आपने चेक ही नहीं किया कि 2000 पर क्या होगा, 10 या इसको आप ऐसे कहते हैं 20.5 पर क्या होगा, हम चेक नहीं करते ऐसा। तो ये कंडीशन यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ट्रू फॉल्स कंडीशन आपको चेक करनी है ऑल पॉसिबल वेज, यानी कि यूज़र जो है वो कहाँ कहाँ गलती कर सकता है वो आपको अज्यूम करना है और वो मानकर चेक करना है कि वहाँ पर अगर वो यूज़र गलती करता है तो क्या होगा। एक्सरसाइज ऑल लूप्स, सभी लूप को लास्ट बाउंड्री तक। एक मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल लेता हूँ, आपको एक बोला जाता है कि एक स्टूडेंट का, ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन को, एक स्टूडेंट्स को, कुछ स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, मान लेते हैं कि n नंबर है, अब n कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, 50 हो सकता है, 60 हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो n नंबर्स के स्टूडेंट्स का नाम, फादर नेम, क्लास और रोल नंबर आपको रीड करना है सी प्रोग्रामिंग में, मान लेते हैं एरे के थ्रू। फिर से सुनिए इस क्वेश्चन को कि n नंबर्स के स्टूडेंट्स को आपके नेम को, फादर्स नेम को, रोल नंबर को और क्लास को आपको रीड करना है एरे में। तो क्या होगा, n आपने पूछा यूज़र से, अब यूज़र इस टाइम में जब आप प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं और चेक भी आप खुद ही करेंगे तो यूज़र आप खुद ही बन जाते हैं वहाँ पर और कह देते हैं कि 2, यानी n की वैल्यू है 2। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि दो ही स्टूडेंट हैं पूरी क्लास में, तो आपने दो स्टूडेंट के लिए एंट्री कर ली। आपने कभी चेक किया है कि 200 स्टूडेंट्स के लिए पूरी एंट्री कराएं, कभी ऐसा किया है? नहीं किया होगा। यही वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि एक्सरसाइज ऑल लूप्स एट आउटमोस्ट बाउंड्री तक, कि अगर 100 बच्चे होते हैं तो क्या आपकी रैम में इतनी कैपेसिटी है कि वो सबको शो कर पाए, ये चेक करने की बात हो रही है यहाँ पर। ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं जो हम भूल जाते हैं और वो बाद में आ जाती हैं। इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर, जो डेटा स्ट्रक्चर आपने डिजाइन किया है, जो यूज़ किया है, वो कैसे काम कर रहा है, वो ठीक से सपोर्ट कर भी रहा है सभी कंपोनेंट्स को या नहीं कर रहा है। इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर्स, किसी वेरिएबल को आपने इनिशियलाइज किया भी है कि नहीं, उसकी ज़रूरत थी इनिशियलाइज करने की, आपने किया नहीं, अब वो गार्बेज वैल्यू ले रहा है, जीरो ले रहा है या नल ले रहा है या कुछ भी वैल्यू ले रहा है। तो इनिशियलाइजेशन करना जिसको ज़रूरी था, जैसे फ्लैग टाइप के जो वेरिएबल होते हैं, जो फ्लैग, अगर आपने फ्लैग के वीडियो नहीं देखा है तो फ्लैग के लिए यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो फ्लैग को आपने इनिशियलाइज कर दिया है कि नहीं किया है। टर्मिनेशन, अगर किसी वेरिएबल की वैल्यू को आपको ज़ीरो कर देना चाहिए था या नल कर देना चाहिए था तो आपने उसको किया है क्या? तो ऐसी एरर्स तो नहीं है, ये अगर हम चेक करते हैं तो कहलाता है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। और अगर हम मेन जो उसका मेन जो लॉजिक था, लॉजिक से मतलब जो उसकी रिक्वायरमेंट थी, अगर उसको हम टेस्ट करते हैं तो कहलाता है वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। तो मुझे उम्मीद है आके आपको समझ में आ रहा होगा ये ब्लैक बॉक्स और वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। स्ट्रक्चर पढ़ना हो हमें एटा या डेटा स्ट्रक्चर, समझना हो हमें एल्गम या फंडामेंटल, समझना हो हमें एल्गम या फंडामेंटल, बस एक नाम याद रहेगा, डॉक्टर कपिल गोविल। जावा CISE बात हमारे बस की, जावा CISE बात हमारे बस की, बस हमको सर्च है करना डॉक्टर कपिल गोविल। सब्सक्राइब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल, यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल गोविल।